प्रदेश का मालूम नहीं है, मगर जो अभी कानून यहाँ पास किए बीजेपी ने, उसकी वजह से जो यहाँ के मकामी लोग हैं जिनके पास लीज की जमीन पड़ी हुई है, उनसे वो छीन के वो किनको देना चाहते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों के, यहाँ के रहने वालों से जमीन छीन के बाहर के लोगों को देना चाहते हैं। और जो लद्दाख में चाइना ने इंकर्शंस किए, हमारी जमीन पे कब्जा किया, और अरुणाचल प्रदेश में न सिर्फ जमीन पे कब्जा किया बल्कि हमारे जो जवान हैं उनके साथ हाथापाई भी की, तो उसके लिए बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। मगर जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर जुल्म ढाना, हमारे वसाइल, हमारे रिसोर्सेस, अब हमारी जमीन को, जो यहाँ एक कानून पास किया था शेख साहब ने, लैंड टू द टिलर, यानी काश्तकार को, जो काश्तकारी करता था उसको जमीन मिलती थी, आज उसका उल्टा हो रहा है। जो हम यहाँ जमींदार लोग हैं जिनकी जमीनें हैं लीज पे हैं, जिनके होटल है, जिनका कारोबार है, उनको कहते हैं आप जमीन छोड़ दो और हम उस जमीन का जो चाहे वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा धोखा है यहाँ के लोगों के साथ, जिनको ये कहते हैं ये हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे अटूट अंग हैं, उनसे जमीन छीनते हैं, मगर जो चाइना ने हमारी जमीनों पे कब्जा किया है उसके उनके पास कोई जवाब नहीं। चलिए चलिए, ऑक्युपाइड आर लैंड इन लद्दाख, दे हैव ऑल्सो ऑक्युपाइड लैंड इन अरुणाचल प्रदेश एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय द बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट, बट अनफॉर्चुनेटली बीजेपी इज डूइंग नथिंग अबाउट इट। आर सोल्जर्स हैव बीन बीटन अप बाय देम, दे आर नॉट अलाउड टू रिटेलिएट। दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, वेरी सॉरी।